हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्विफ्ट डिज़ायर के मामले में। आखिर ऐसा क्या है स्विफ्ट डिज़ायर में जो इंडिया की मोस्ट टॉप सेलिंग कार है, और क्या ये आपको गाड़ी लेनी चाहिए। तो हम आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, ऐसे फ़ायदे स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये सारे पॉइंट प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो स्विफ्ट डिज़ायर खरीदने का फायदा नंबर एक, बेस्ट माइलेज। दोस्तों, आप कोई भी गाड़ी इस प्राइस पे खरीद लेंगे, अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर का डीजल वेरिएंट लेंगे तो ये आपको ARI टेस्टेड 28 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, जो कि कोई भी गाड़ी आपको इस सेगमेंट पे नहीं दे पाती है। सेकेंड पॉइंट आता है लो मेंटेनेंस। दोस्तों, मारुति की आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी कंपनी को आप ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मारुति की पार्ट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आपको लोकल शॉप में रिपेयर कराएंगे तो आपको आधे रेट में ही वो सारे पार्ट मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट आते हैं वुडन फिनिश इंटीरियर। दोस्तों, हम अगर स्विफ्ट डिज़ायर की प्राइस सेगमेंट की कार की बात करें तो सब में आपको पियानो फिनिश या फिर प्लास्टिक फिनिश वाले इंटीरियर देखने को मिलते हैं, पर इस सेगमेंट में आपको वुडन फिनिश इंटीरियर स्विफ्ट डिज़ायर दे देती है। स्विफ्ट डिज़ायर की एक और खासियत है रियर एसी वेंट, जो कि सेडान कार में मिलना बहुत यूनिक है। अगर आपको रियर एसी वेंट चाहिए सेडान कार में तो आपको 14-15 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर आपको 6-7 लाख में आपको रियर एसी वेंट प्रोवाइड करा देती है। हाई रीसेल वैल्यू। दोस्तों, आप मारुति कार अगर चलाते होंगे तो 4 साल या 5 साल तक अगर आप बेचते हो तो आपको रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप किसी भी, जैसे होंडा सिटी देख लो, अगर आप उसे बेचते हो 2010 की मॉडल है तो आपको 1.5 या 2 लाख में बिकेगी, लेकिन अगर आपका 2010 की स्विफ्ट डिज़ायर है तो आपको 3-3.5 लाख रुपये फिर भी उसकी रीसेल वैल्यू बनी रहती है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट होती है रीसेल वैल्यू। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका नाम है लो कैबिन नॉइस। अब दोस्तों, मारुति ने पता नहीं क्या किया अपने इंजन में। अगर जब टाटा इंडिका लॉन्च हुआ करती थी या फिर ऑल्टो लॉन्च हुई, तो ऑल्टो में जो हमारा कैबिन नॉइस बिल्कुल भी नहीं था, जबकि टाटा इंडिका पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती थी। ऐसी बहुत सी कंपनियाँ आई जो कैबिन नॉइस को नहीं अच्छे से कंपेंसेट कर पाई, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर में जो कैबिन नॉइस देखने को मिलता है, एटलीस्ट 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती है, पर ज़्यादा पता नहीं चलता है। और लास्ट पॉइंट आता है बिगर बूट स्पेस, मतलब कि इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है आपको सबसे अच्छा बूट स्पेस इसी में देखने को मिल जाएगा। स्विफ्ट डिज़ायर देखिए, एक तो नाम ही काफ़ी है, और अगर कभी ख़राब भी होती है तो अगर आप टोयोटा वगैरह कोई और गाड़ी लेते हो तो सीधा आपको सर्विस सेंटर पहुँचना पड़ेगा, फिर पार्ट्स वगैरह मिलने के लिए सर्विस सेंटर से लेंगे। लेकिन आप मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर लेते हो तो यार लोकल शॉप पर तो आराम के साथ बन जाती है, वो भी काफ़ी सस्ते में, और सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम पड़ती है। तो यही था ऐसे कुछ फ़ायदे कि जो स्विफ्ट डिज़ायर को बनाते हैं इंडिया के टॉप सेलिंग कार। और यार, जब सेलिंग ज़्यादा है तो इसकी स्पेयर पार्ट्स मिलने में काफ़ी आसानी होगी। तो ऐसे में अगर कोई आप पहला गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो स्विफ्ट डिज़ायर ही लें, क्योंकि आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है। सो आज की वीडियो के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे और भी कार न्यूज़ लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।